मैं बनाने जा रही हूँ बटर चिकन। इसके लिए लिया है 2 बड़े प्याज बारीक काट के, टमाटर बारीक कटा हुआ, जीरा, दही 1 कटोरी, 1 कटोरी सरसों का तेल, ये है धनिया और मिर्ची, ये बटर, गरम मसाला पाउडर, चिकन मसाला पाउडर, खरा गरम मसाले में दालचीनी, 1 बड़ी इलायची और चकरी, और तेज पत्ता, जीरा, लहसुन अदरक का पेस्ट, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, और फ्राई करने के लिए 2 प्याज बारीक काट लिए है और 1 लहसुन छील के लिए है, और ये है अदरक बारीक कटा हुआ, काजू और मिर्ची। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मसाला तैयार, धनिया, मिर्ची और जीरा को अच्छे से रोस्ट कर लें। धनिया रोस्ट हो गया है अच्छे से, अब गैस बंद करके इसमें प्याज भी डाल देंगे पीसने के लिए। 2 प्याज है काट के लिए है बारीक। और 1 टमाटर है वो भी पीस लेंगे। रेडी हो गया है, इसमें धनिया रोस्ट किया हुआ, धनिया, मिर्ची, जीरा और प्याज, 2 प्याज थे, टमाटर 1 और काजू पीस के लिए हैं। कढ़ाई गरम हो गया है, अब इसमें 1 कटोरी सरसों का तेल डालें। तेल को गरम, सरसों तेल है गरम हो गया अच्छे से, अब इसमें पहले खरा गरम मसाला डालेंगे, फिर जीरा और पत्रज, हो गया अब इसमें बारीक कटा हुआ प्याज, लहसुन और अदरक लंबा लंबा कटा हुआ, और 2 मिर्ची डाल के अच्छे से लाल करना है, गोल्डन ब्राउन होने पे। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब इसमें बटर डालेंगे, बटर को पिघलने दें अच्छे से। बहुत ही अच्छे खुशबू आ रहा है बटर का, बटर पिघल गया है, अब इसमें आधा केजी चिकन लिया है, आधा केजी चिकन लियो इसमें डाल दें। चिकन को अच्छे से फ्राई कर लें, इसमें थोड़ा चिकन फ्राई हो गया तो फिर इसमें मसाला डालेंगे सभी। 5 मिनट तक फ्राई होने दो चिकन को। 5 मिनट हो गया है चिकन फ्राई, हल्का सा चिकन फ्राई हो गया है, अभी इसमें सभी मसालों को डालेंगे। ये हमारा पीसा हुआ मसाला है, पहले इसको डालेंगे। मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, अच्छे से मिला लें।
अब नमक डाले स्वाद के अनुसार। अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसको 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। 10 मिनट पकने दें। चलिए देखते हैं चिकन हुआ क्या नहीं। मसाला आधा फ्राई हो गया है। अब इसमें एक कटोरी दही डालेंगे। आप चिकन को सूखा भी रख सकते हैं या फिर ग्रेवी चाहिए तो ग्रेवी भी रख सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये चपाती में, चावल में खाए बहुत ही टेस्टी लगेगा खाने में। दही को अच्छे से मिक्स कर दें और चिकन को 10 मिनट के लिए वापस पकने दें मीडियम फ्लेम पे। चलिए देखते हैं चिकन हुआ क्या। वाओ, चिकन तो बहुत अच्छा दिख रहा है। कलर तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। चिकन भी पक गया है अच्छे से। अब इसमें 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 छोटा चम्मच चिकन मसाला पाउडर डाल के अच्छे से मिला लें। बहुत ही अच्छा दिख रहा है। बहुत ही स्पाइसी लग रहा है। देखिए, आप भी ज़रूर ट्राई करें। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है चिकन से। बस 5 मिनट के लिए ढक दें, फिर गैस बंद कर दें। चिकन पक गया है अच्छे से। चिकन पक गया है और अब चिकन बंद कर दें गैस। चिकन बन के रेडी है खाने के लिए। अगर आपको अच्छा लगे एक बार ट्राई करें ज़रूर। अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।